दिसंबर की एक तारीख है, साल के आखिरी महीने की शुरुआत में ही आम आदमी को झटका लगा है। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सिलेंडर के दाम महंगे हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है और इसके तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। ये इजाफा 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए किया गया है और आम रसोई गैस यानी कि 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब शहरों के हिसाब से देखें तो अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम अलग अलग हुए हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 16 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं और ये 1818 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर आ चुका है। बात मुंबई की करें तो मुंबई में इस कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 16 रुपए के आसपास बढ़ाए गए हैं और अब इसकी कीमत 1771 रुपए प्रति सिलेंडर हो चुकी है। शहर चेन्नई की बात करें, चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 16 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया और अब इसकी कीमत 1980 रुपए प्रति सिलेंडर हो चुकी है। कोलकाता में देखें तो कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 15 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया है और ये 1927 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर आ चुका है। खास बात यह है कि देश के चारों प्रमुख मेट्रो शहरों में से कोलकाता में ही गैस सिलेंडर के रेट सबसे ज्यादा है। अगस्त से लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते आ रहे हैं और दिसंबर को मिलाकर लगातार 5 महीने हो गए जब 19 किलोग्राम वाले गैस के भाव में बढ़त देखी गई। 1 नवंबर से इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसे दिल्ली में 1802 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंचा दिया था। अक्टूबर में कमर्शियल गैस की कीमतों में 48 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि आम आदमी की कमर तोड़ती है। वैसे ये कहना तो वाजिब है कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो आम आदमी कुछ राहत की सांस लेगा, लेकिन बात तो वही घूम फिर कर आ जाती है कि जब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो फिर उसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट, ढाबा और स्ट्रीट फूड में बनने वाला खाना तो कमर्शियल गैस सिलेंडर से ही बनता है जिसका सीधा बोझ आम जनता पर ही आता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।